अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ जैफ़र रफ़ी, आपका टीचर केमिस्ट्री का। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14, टेंथ क्लास केमिस्ट्री है हमारे पास फेडरल बोर्ड की। चैप्टर 14 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पार्ट वन का एटमॉस्फेयर। उसमें हम एयर पोल्यूटेंट डिस्कस कर रहे हैं। सल्फर ऑक्साइड के बाद हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मौजूद हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कार्बन के ऑक्साइड की। इसे हम कंसिडर करते हैं COX। अब COX में एक हमारे पास CO है और एक CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट कंसीडर्ड एज अ एयर पोल्यूटेंट, बट द लिमिटेड अमाउंट, अगर लिमिटेड है तो पोल्यूटेंट कंसीडर। इफ़ द लिमिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ नॉर्मल 0.038%, अगर उससे ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो देन इट्स अलार्मिंग सिचुएशन। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है। जब मीथेन की बर्निंग होती है CH4 की इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो बनता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, प्लस H2O प्लस हीट। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको रात में जब आप हीटर चला के सोते हैं तो आपको सोना नहीं है। हीटर चला के, किसी भी किस्म का बर्निंग इंस्ट्रूमेंट चला के आप नहीं सो सकते। दीज आर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द होटल मैनेजमेंट एंड द अदर, जहाँ पे भी आप गेस्ट रूम में जहाँ पे स्टे कर रहे हैं, कहते हैं कि आपको रात को हीटर चला के या कुछ इस तरह चला के नहीं सोना चाहिए, आपको जागते हुए ही बंद कर देना। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊँ, जो भी बर्निंग प्रोसेस है वो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। नॉर्मल प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इन केस ऑफ अ क्लोज रूम, अगर क्लोज रूम है तो वहाँ पर जितनी भी ऑक्सीजन होगी वो कंज्यूम हो जाएगी बर्निंग प्रोसीजर से। यहाँ पे सोर्स ऑफ ऑक्सीजन कोई नहीं है। हम भी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, बर्निंग प्रोसीजर भी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन इस्तेमाल होने के साथ साथ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अमाउंट कम हो गई। जब ऑक्सीजन लिमिटेड हो गई तो वो कार्बन CO2 की बजाय CO ही बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है। इट इज़ अ वेरी वेरी पॉइजनस गैस, कलरलेस, ऑर्डरलेस। कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, और पॉइजनस ऐसे है, जहरीली गैस है। अगर आप इसे इनहेल कर लेते हैं, ये आपके ब्लड के अंदर जाके रेड ब्लड सेल्स के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है। ऑक्सीजन भी वहीं अटैच होती है, ये भी वहीं अटैच होती है, लेकिन ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाती है, उतर जाती है, लेकिन ये उतरती नहीं है। जिन जिन कार्बन, जिन जिन हीमोग्लोबिन के साथ ही अटैच होगी, जिन जिन रेड ब्लड सेल्स के हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच होगी, उनसे वो सेपरेट नहीं होगी। इट मीन दैट कि हमारा उतना उतना ब्लड जो है अब वर्कलेस हो गया, वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा हमारी बॉडी में, क्योंकि उसके साथ अटैच हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि परमानेंटली अटैच हो गई, परमानेंटली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना दिया। अब वो डीअटैच नहीं होगी, डीअटैच नहीं होगी तो हमारा ब्लड काम नहीं करेगा, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। पहले हेडेक होगा, समटाइम आप पैरालाइज हो सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, और इवेंचुअली डेथ हो जाती है। इसलिए बी केयरफुल, खुद भी और अपने अजीज़ों को भी, उन्हें आप ये बताएं कि रात के वक्त जितनी भी ठंड लगे आप जागते हुए हीटर चला लें, और जब भी आपने कोई चीज़ चलाई हो तो कोशिश करें कि आपका डोर ओपन क्लोज हो रहा है, थोड़ा सा वेंटिलेशन सिस्टम रहे, अदरवाइज सफोकेशन हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है हमारे पास वो कौन कौन से हैं और उनका क्या रोल है हमारे यहाँ एटमोसफियर के अंदर। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं उसे हम NOx कंसीडर करते हैं। NOx इसमें कौन कौन सा जी, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हवा में नाइट्रोजन कितनी है जी, 78%। ऑक्सीजन कितनी है जी, 21%। ये दोनों गैसेस जब हीट लाइटिंग होती है, बिजली चमकती है, या कोई भी ऐसा सोर्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, ये आपस में केमिकली कंबाइन होकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाती हैं। अब NO जो है वो O2 के साथ मिलके दोबारा क्या बना देता है, 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये फिर क्या बनाती है जी, पानी के साथ मिलके NO2 प्लस H2O, तो ये बना देती है HNO3। इसे बैलेंस करना होगा, तो ये बैलेंस इक्वेशन भी मौजूद है, ये बन जाता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये नाइट्रिक एसिड बन गया, ठीक है जी। ये अब नाइट्रिक एसिड जो है ये भी एसिडिक रेन की रीज़न बनता है, क्योंकि हवा में अगर NO2 मौजूद है तो साथ में वाटर मिक्सअप हो जाता है, तो वाटर के मिक्सअप होने से नाइट्रिक एसिड बन जाता है। नाइट्रिक एसिड क्या है, एक एसिड है, और स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड कंसिडर किया जाता है। ये जो है बिल्डिंग को, मोनोमेंट्स को, सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने में रोल प्ले करता है।
इट इज़ हैवियर देन एयर, नाइट्रोजन जो गैस है, नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक नाइट्रस ऑक्साइड होता है NO और एक नाइट्रिक ऑक्साइड है NO2, ठीक है। तो कम वैलेंसी वाला OUS के साथ, ज़्यादा वैलेंसी वाला IC के साथ होता है, यू नो दैट। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ अ रेडिश ब्राउन गैस विद पंगट स्मेल, पंगट बुरी बुरी जो स्मेल होती है उसकी। इट डिजॉल्व रेडली इन वाटर, बोथ दीज ऑक्साइड्स आर हाईली टॉक्सिक गैसेस, डैमेज लंग्स, काजेज हेडेक एंड कफ, ये उसकी काजेज हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मीथेन की, कि मीथेन क्या है और उसके क्या क्या इफेक्ट हैं, ठीक है। हम बात करते हैं मीथेन की, ठीक है जी। मीथेन हमारे पास जो नेचुरल गैस है CNG, इसे हम मीथेन कहते हैं, ठीक है। सुई गैस भी सही बोलते हैं क्योंकि ये सुई के मुकाम से बलूचिस्तान से निकलती है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड व्हेन डेड प्लांट मटेरियल डिकेट, जब कोई भी डेड प्लांट की डिकेइंग होती है उस वक्त मीथेन प्रोड्यूस होती है। वोल्केनिक इरप्शन, जो लावा निकलता है उसमें भी मीथेन गैस होती है। जो गलना सड़ना होता है चीज़ों का उसमें भी नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। स्वैम्प एंड राइस पैडी फील्ड, उसके अंदर भी मीथेन प्रोड्यूस होती है, दलदली इलाकों में जहाँ पे। एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द एयर, मीथेन फॉर्म इरिटेटिंग एंड टॉक्सिक कंपाउंड। मीथेन इज एक्सेलेंट हीट एब्जॉर्बर एंड काज ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग भी करती है जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का राइज हो जाता है, ठीक है बच्चे। आज का हमारा लेक्चर यही था, नेक्स्ट में हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेड कंपाउंड और ओजोन की हम बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।